हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गुड आफ्टरनून। तो जी हाँ, अभी आफ्टरनून हो रहे हैं। अभी दोपहर का 12:25 हो चुका है। अभी मैं खाना बना रही थी, तो बस आज मैं सादा सीधे कुछ जल्दी से बना लेने वाली, जल्दी से कुक हो जाने वाला ऐसा सब्जी बना रही हूँ जैसे आप देखने वाले हैं। तो आज मैंने क्या लंच बनाया है ये तो आपको देखना पड़ेगा। इससे पहले मैं बता स्टार्ट करने से पहले आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, इसलिए रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आगे देखते हुए ऐसा क्या हो रहा है, मेरा थोड़ा सा फेस अच्छा हुआ है। वीडियो शूट करने से पहले मैं देख रही थी अपने आप को, बेकार लग रहा था देखने में, थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा तो थोड़ा सा फेस तो अच्छा दिखे आप लोग के सामने। तो इसीलिए बस बहुत गर्मी है, सुबह सुबह मैंने नहा लिया है, सुबह काम पे चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके। तो अभी 12 बजने वाले हैं। चलिए मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद आपके साथ बैठ के बात करती हूँ, कुछ बातें शेयर करनी है। तो और हाँ, अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, ठीक है? मुझे दोबारा से बोलना ना पड़े, ठीक है? चलो बाय। अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर अच्छा ना लगे तो अनलाइक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लाइक ही करना है, मेरा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक भी कर सकते हैं, उसमें मैं भी मुझे खुशी मिलती है। एटलीस्ट कुछ तो कर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है? चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये साग बरसात के मौसम में ज़्यादा मिलता है मुझे लगता है, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ जब बारिश होता है थोड़ा बहुत, तभी मैं इस साग को घर में लेके आती हूँ। तो सुमित मुझे लेके दे के गए हैं, तो वही मैं काट रही हूँ और ये साग सुमित को बहुत पसंद है। मैं इस साग को किस तरह से बनाऊँगी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अगर रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर, नहीं तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और मैं आपसे मिल नहीं पाऊँगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए रेसिपी के लिए रेडी होते हैं। साग को मैं थोड़ा सा नमक वाला पानी में भिगो के 10-5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस नमक वाला पानी से जो कीड़े वगैरह कुछ होते हैं तो वो निकल जाते हैं। तो इसीलिए मैं नमक वाला पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दूँगी, उसके बाद अच्छे से क्लीन करके फिर इसे कुक करूँगी। तो अभी फ्रेंड मैं फ्राई करूंगी भिंडी को। तो भिंडी को अच्छे से धोकर मैंने काट लिया है और थोड़ा सा नमक हल्दी लगाकर यानी कि देकर इसको फ्राई कर लूंगी। तो चलिए भिंडी को फ्राई कर लेते हैं नमक और हल्दी डालकर। मैं फिर से बनाऊंगी मछली, तो इसका जिसका हेड है इसे लेकर बैंगन मैंने काट लिया है, आलू काट लिया है फिर और इस तरफ मेरा भिंडी फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए बनाते हैं पुईशाक की सब्जी। तो सब्जी बनाने से पहले मैं बता दूं क्या क्या लगेगा। अभी मैं ऑयल दे दिया है मस्टर्ड ऑयल में, इस सब्जी को मैं कुक करूंगी। थोड़ा सा ग्रीन चिली और आलू को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैं दे दूंगी बैंगन, बैंगन को भी आलू के साथ ही हल्का सा फ्राई कर लूंगी। जब बैंगन मेरा हल्का सा कलर छोड़ दे और आलू भी थोड़ा सा कच्चा फ्लेवर चला जाए, तब मैं इसमें नमक हल्दी लगाकर इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड धीमी आंच पर। तो मेरा हल्का सा फ्राई हो चुका है, तो अभी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और जीरा धनिया जो पाउडर मैंने पीस कर भून कर रख दिया था, तो उसे भी इस मसाला में इस सब्जी में ऐड कर दूंगी और उसके बाद हल्का सा चला लूंगी। और इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट को देकर मैं इस मसाला को भूनते रहूंगी।
जब तक मसाला का कच्चा फ्लेवर ना चला जाए। तो फ्रेंड मेरा सब्जी अच्छे से कुक हो चुका है, जैसे कि इसका देख सकते हैं ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो इस टाइम पे मैं जो मेरा पुई सब कटा हुआ रखा हुआ था उसे भी इसमें ऐड करके इसे मैं कुक करती रहूँगी। तो अब देख सकते हैं मेरा कढ़ाई पूरा फुल फिल अप हो चुका है। तो ये जब तैयार हो जाएगा ना साग का सब्जी, तो सिकोड़ का इतू सा हो जाएगा, इतू सा हो जाएगा। अभी इसको ढक्कन लगा के मैं रख दूंगी तो इससे पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा धीमी आंच पर। देखिए मेरे साग से पानी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें क्या करूंगी, बीच में थोड़ा सा इसका स्पेस बना लूंगी और यहाँ पर मछली का जो वेट है ये सब इसका रूप देगी। तो इसको देने के बाद मैं ढक्कन लगाकर इसे छोड़ दूंगी। तो फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो कल मेरा मूड इतना ऑफ था कि मैं आप सबके सामने आकर यानी कि कैमरे के सामने आकर कुछ भी बात करने का जैसे नहीं थी, इतना मूड ऑफ हो गया था। रीज़न ये था कि सुमित ने मुझे बहुत डांटा था। रीज़न क्या है पता है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ना खाना थोड़ा सा छोड़ दिया है, रात को नींद नहीं आता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, कभी कभी ऐसा होता है भूख नहीं लगता है, नींद नहीं आता है रात भर। तो इसी बात को लेकर सुमित ने मुझे बहुत डांट दिया था, इतना डांटा था कि मेरे आंखों से आंसू आ गया था, इतना मुझे डांट दिया था। तो उसी चलते मेरा मूड पूरा ऑफ हो गया था, तो बस यही रीज़न था फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड मैं आपसे फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।